हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे चैप्टर फैक्टर्स इन रिमाइंडर थ्योरम का होम असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलीनोमियल्स। हमें कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, हमें बताना है कि वो पॉलीनोमियल होंगे या नहीं। सबसे पहले आपको पॉलीनोमियल याद करना होगा। पॉलीनोमियल क्या होता है? एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी पावर नेगेटिव नहीं होगी और फ्रैक्शन में भी नहीं होगी। पावर किसकी है? हाईएस्ट वेरिएबल की, ठीक है। बट यहाँ पर देखो, ये मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन हमें गिवन है। यहाँ पर वेरिएबल क्या हमारा x है, और यहाँ पर x हमारे पास में अंडर रूट में है। तो इसको अगर हम लिखना चाहेंगे थोड़ा सा ओपन करके, तो क्या लिखेंगे? x रेज टू पावर 1/2 प्लस 8x प्लस 2। क्या ये सेटिस्फाई करते हैं पॉलीनोमियल की जो डेफिनेशन है? देखो, यहाँ पर जो पावर है वेरिएबल की वो फ्रैक्शन में आ गई, बट हमने तो बताया था कि वो ना तो नेगेटिव होगी ना ही फ्रैक्शन होगी, एक सिंपल नंबर होगा कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या हो गया? नॉट पॉलीनोमियल। ये एक्सप्रेशन हमारा पॉलीनोमियल नहीं है। अब सेकंड को देखो, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वाई वेरिएबल है यहाँ पर, बट पावर क्या है? 3 है। तो ये क्या हो जाएगा? पॉलीनोमियल हो जाएगा। फ्रैक्शन ले जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तभी भी क्या आएगा? सिंपल हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा 7y³ प्लस 8y एंड प्लस 112। तो क्या हो जाएगा? पावर बिल्कुल करेक्ट है, हमारी डेफिनेशन को फॉलो कर रही है, दैट इज पॉलीनोमियल। समझ आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 5th, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ माइनस 2x² प्लस 6x माइनस 2 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। मैंने बताया था कि रिमाइंडर थ्योरम क्या अप्लाई करती है। रिमाइंडर थ्योरम क्या बताती है? अगर किसी एक्सप्रेशन से हम दूसरी एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हैं, तो ये जो x माइनस 2 है, तो x इज इक्वल टू 2 अगर मैं पुट करूंगा तो रिमाइंडर किसके इक्वल हो जाएगा? देखो ध्यान से, इसको लेट कर लिया मैंने, px है, px इज इक्वल टू x³ माइनस 2x² प्लस 6x माइनस 2। रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि जिस एक्सप्रेशन से हम डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर पर वो पॉलीनोमियल किसके इक्वल आएगी? उसके रिमाइंडर के इक्वल आएगी। तो वही पुट करेंगे। अब देखो ध्यान से, ये x माइनस 2 था, मैंने x माइनस 2 को इज इक्वल टू 0 पुट किया, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 2। तो x इज इक्वल टू पुट करो, यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू 2, देन p2 किसके इक्वल आ जाएगा? रिमाइंडर के इक्वल आएगा। पुट करो 2³² 6 × 2 माइनस 2 दैट इज 8, 4² = 8 प्लस 12 माइनस 2, 8 से 8 कैंसिल हो गया, प्लस 12 एंड माइनस 2 इज 10। सो रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास में? रिमाइंडर इज इक्वल टू 10। क्यों आया बेटे? अगर मेरे पास में, ध्यान से देख लो, अगर मेरे पास में एक पॉलीनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी, ठीक है, और क्या होगा? x माइनस a से डिविजिबल होगा, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? पी ए इज इक्वल टू आर, रिमाइंडर के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? तो यही क्वेश्चन में बताया हुआ है, इसमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना था। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ माइनस 2x² प्लस 6x माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 25x² माइनस 1 प्लस 1 प्लस 5x होल स्क्वायर। सो बच्चों, हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है। अगर मेरे पास में a² माइनस b² हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस b, a माइनस b। तो वही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। आप ध्यान से देखें, मेरे पास है 25x² माइनस 1, तो इसको हम क्या लिखेंगे? प्लस 1 प्लस 5x होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे? 5x² माइनस 1 स्क्वायर। अगर मैं इसको ये लिख लूँ तभी भी तो सेम ही है, प्लस 1 प्लस 5x होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, ये हमारे पास में क्या है? a² माइनस b², तो मैं क्या करूँगा? 5x प्लस 1 एक बार ऐड करूँगा और एक बार सब्ट्रैक्ट करूँगा। इसको भी 5x प्लस 1 लिख सकते हैं, कुछ फर्क पड़ने वाला है? एक ही तो बात है प्लस में। सो मैंने यहाँ पे क्या आइडेंटिटी यूज़ की है? बिकॉज a² माइनस b² इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस b एंड a माइनस b, ये आइडेंटिटी यूज़ की। अब देखो ध्यान से, 5x प्लस 1, 5x प्लस 1 इक्वल है, तो कॉमन निकालेंगे 5x प्लस 1, यहाँ पे ये तो बाहर आ गया, क्या रह गया अंदर हमारे पास में? 5x माइनस 1 प्लस
एक पावर तो यहाँ से चली गई बाहर और एक रह गई हमारे पास में, दैट इज 5x प्लस 1। सो 5x प्लस 1, अब ध्यान से देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, -1 और +1 कैंसिल हो रहा है, तो ये कितने हो गए, 5x प्लस 5x इज 10x। सो दैट इज द फैक्टर्स। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन में क्या है, गिवन है हमें fx x³ + 2x² - 5x - 7 इज डिवाइडेड बाय x + 1 एंड रिमाइंडर इज 1 R1। जो हमारे पास में fx पॉलिनोमियल है, ये अगर x + 1 से डिवाइड होता है तो उसका रिमाइंडर क्या आता है, R1। सेम हमें सेकंड पॉलिनोमियल गिवन है gx x³ + x² - 12x + 6a इज डिवाइडेड बाय x - 2 एंड रिमाइंडर इज R2। और एक कंडीशन दे दी हमें, इफ 2R1 + R2 इज इक्वल टू 12 देन फाइंड ए। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास में एक इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो किससे डिवाइड किया हुआ हमने, इससे, और रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उस फैक्टर से ये क्या है, इसका जीरो हो जाएगा। इट मीन्स x + 1 = 0 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, x + 1 = 0 रखेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू आएगी -1। सो -1 किस में पुट करेंगे हम, एफ एक्स में। सो क्या हो जाएगा, f - 1 किसके इक्वल आएगा, बाय रिमाइंडर थ्योरम लिखेंगे यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम क्या हो जाएगा, f1 - 1 था इज इक्वल टू R1। सो f - 1 अब इसमें पुट कर देंगे हम, क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, -q + 2a - 1² - 5 - 1 एंड -7 किसके इक्वल आएगा, ये R1 के इक्वल। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, -1 + 2a + 5 एंड -7a क्लियर इज इक्वल टू किसके, R1 के। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 8 एंड माइनस प्लस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8 + 5 इज 2a - 3 दैट इज R1। ये हमारे पास में हो गई इक्वेशन 1। नाउ आप देखो ध्यान से, यहां पर क्या है हमारे पास में, x - 2 है तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 2। ये किस में पुट करेंगे हम, gx में। सो बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या होगा, g 2 पर क्या हो जाएगा, R2 के इक्वल आएगा, क्योंकि रिमाइंडर क्या रखा हमारा, R2। और ये किससे हुआ, बाय रिमाइंडर थ्योरम। सो क्या हो जाएगा, वैल्यूज पुट करते हैं, 2³ + 2² - 2 × 2 + 6a इज इक्वल टू R2। क्या हो जाएगा, 8 + 4 - क्या हो जाएगा, 24 + 6a, समझ आ रहा है, इज इक्वल टू R2। तो जस्ट इसको सॉल्व करेंगे, 8 + 4 = 12 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6a - 12 इज इक्वल टू R2। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 2। अब हमारे पास में देखो R1 और R2 की वैल्यू आई है, बट हमें एक कंडीशन भी गिवन थी स्टार्टिंग में, 2R1 + R2 = 12। सो a को फाइंड आउट करने के लिए मैं ये जो हमने फाइंड आउट किए हैं R1 और R2 कहाँ पुट कर दूंगा, इस कंडीशन में। ओके पुट करके देखते हैं, सिंस R1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, 2a - 3 + R2 = 6a - 12 दैट इज इसके इक्वल था, इक्वल टू 12। सॉल्व करेंगे, 4a - 6 + 6a - 12 = 12। अब आगे सॉल्व करते हैं, आगे क्या आएगा, 4a एंड 6a दैट इज 10a, -6 एंड -12 - 18 = 12। सो 10a इज इक्वल टू क्या जाएगा, 18 इधर जाके क्या होगा, पॉजिटिव। सो 12 + 18 इज 30। सो a इज इक्वल टू क्या जाएगा, 3।
यही हमें आंसर फाइंड आउट करना था। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बच्चे सभी क्वेश्चंस ऐसे ही करने हमने, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, इसी के बेस पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। थैंक यू।